हम और राम दुलार जी जो हमारे बंद मत करो बे गड़िया भी मन रखा है बंद मत करो तो हाँ बस वही तरह छोड़ दो। हम और राम दुलार जी चल रहे हैं बनकटा और बनकटा से आगे जहाँ से दूध लाते हैं वहाँ भी जाना पड़ेगा और पानी लेना है 2 लीटर के बोतल में। 2 लीटर के बोतल का पानी मिलेगा कहीं जानता रहो? 2 लीटर वाला पानी कहीं मिलेगा जानता रही बात? चलो पता करे पड़ी तो गहुओं पानी रखे बोलो 2 लीटर 2 लीटर में रख ले बोलो कि नहीं लो नहीं मालूम। चलो बैठो धनंजय से चलो खाई चलो वही रास्ता तो करो ऐसा वीडियो बनता कैसा कैसा जा साल तो क्या जा लुटवा निकाल ले लुकत बा गाड़ियों से गोरखपुर गईला में सब हालत खराब हो जाएगा लगातार अगर जो जाए खोखे आप होगा तो चलिए ठीक बा कौन बात है पकड़बो राम दुलार ढारी हमें चार लीटर के ठीक बाबू कम ठीक तो 1 लीटर ला है ये एक पानी भर हाँ है ले 300 रुपया हम तो दे 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 बा हमारे कहाँ है 50 रुपया बो सब खर्चा कर देना पानी हम एक बार आज 300 हो जाए नूर लगे 300 मिलेगा भैया से हम 1 कैरेट किल्ली का पानी ले रहे हैं और इसके लिए जो इनका रेट है इनको दे चुके हैं। हाँ चलो ले चलो उठावा अब आज गोरख नहीं है गोरखपुर आवत में भुला गई नहीं है बहुत जल्दी जल्दी में हम निकल गए लाला बठाई वाले चौरा के पुल पे हम पकड़ ले रहा गड़िया ढंग से झोरवा ढंग से पहले रहिए झोरवा ना गिरे यहाँ पे किसी के गाड़ी का चाबी गिरा हुआ है जो रात को हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे तब तक हमको दिखाई दिया है अगर कोई मिलेगा अगर कि कोई खोज रहा होगा तो हमसे संपर्क करे और हम आगे जो है लाला बठाई में जो दुकान है संस्कृत स्मारक के सामने सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत स्मारक विद्यालय के ठीक सामने जो दुकान है छोटा सा वहां पे हम इसको जमा कर देंगे। दोस्तों ये सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ के सिक्योरिटी गार्ड के पास हम ये जो चाबी पाए हैं बठई चौरा के पुल पे इनको हैंडओवर कर रहे हैं किसी को लेना होगा तो इनसे संपर्क कर सकता है। ठीक है भैया रख दीजिए जमा जहाँ पे भी सामान जमा होता होगा पाया हुआ वहाँ पे रख दीजिएगा किसी का होगा कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है अभी हम दूध और पानी लेकर के घर पे आ चुके हैं रख दो अंदर 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 हे हे जा बस ए, ये फोटो हाँ अरे वीडियो बात फोटो के बात करता नहीं
कते एक पाव कम बा ना रहल हो आज।